नमस्कार सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं अमित सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म। तो दोस्तों, आप में से किसी का एक और प्रश्न आया था मेरे पास कि सर मैं अपने शहर में अगर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूं तो मैं फिर और क्या कर सकता हूं। आज के समय में जैसा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप कैसे और ज़्यादा अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। और ज़्यादा नहीं होगा तो एटलीस्ट आप अभी अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको उसका फल मिलना शुरू होगा। वो है हमारा यूट्यूब, जहाँ पर आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं। अब यूट्यूब पर भी आप कैसे करेंगे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप जैसे अपने शहर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको या तो डिग्री वगैरह मांगते हैं, आज के समय में थोड़ा सा ऐसा हो गया है, जबकि पत्रकार बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सो कॉल्ड जो मीडिया जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो मीडिया चैनल्स हैं, वो आपसे जो है ये डिग्री की डिमांड करते हैं। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाई दे आर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स, they really have a guts, to prove their self कि हाँ वो कुछ अच्छा जानते हैं और पत्रकारिता को बहुत अच्छे समझते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बन पाते। वो इसी वजह से क्योंकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, कोई अच्छा चैनल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन आज के समय में जितना अच्छा माहौल चल रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने शहर में रहकर भी एक अच्छा अपना नाम कर सकते हैं। वो कैसे, आप अपने शहर में रहकर भी आप अपने YouTube के माध्यम से आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो कैसे, आप जो है यहाँ पर वीडियो डालिए, रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालिए, कोई भी घटना घटती है आपके आसपास उसको जाकर कवर कीजिए, उसको अच्छे से एडिट करके फिर उसको डालिए, अपनी वॉइस ओवर दीजिए उसके अंदर, आप उसका अपना चेहरा दिखाइए और बोलने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर जाकर खड़े हो जाइए, उसके बाद बोलिए। आप अपने किसी साथी को लेकर जा सकते हैं जो आपका कैमरा पकड़ सकता है या फिर आपके मोबाइल को पकड़ सकता है, उसके बाद जो है वो आपकी सारी चीज़ों को कवर कर सकता है, जिससे कि आपकी जो यूनिकनेस है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो निखरती चली जाए और डे बाय डे आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो नज़र आए। तो एज एन एक्टर अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपने शहर में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन पैदा होता है, प्लस एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा होती है। अगर आप फिर उस चैनल को दिखाने के बाद कहीं अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको चांसेस अच्छे मिल जाएं, बिकॉज आपके पास कुछ प्रोफाइल है दिखाने के लिए। आप दिखा सकते हैं, सर मैं देखिए मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। तो अभी क्या है कि आप अगर इस तरह की चीज़ें समझ पा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो ये सारी चीज़ें करते हुए अगर आप चलेंगे तो आपके बोलने का तरीका, आपका बात करने का लहजा, आप कैसे बात करते हैं और आपके जो अंदर का डर होता है, जो फियरनेस होती है, वो भी आपके अंदर जो फियर है वो भी सब चला जाता है धीरे 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 धीरे, और फिर उसके बाद कुछ आप स्क्रिप्ट लेकर पढ़ सकते हैं, कुछ आप डायलॉग्स बोल सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास, आप वो सारे तमाम तरह की चीज़ें आप अपना अच्छा खुद का कोई कंटेंट बना सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली फॉर रिपोर्टिंग, आई एम सेइंग अबाउट कि अगर आपको किसी गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट हो तो आप गाड़ियों के बारे में जिक्र करना शुरू कर दें, आपको स्कूटर्स के बारे में पसंद हो बात करना है, या फिर आपको चेयर्स बनाने के बारे में पसंद हो, लकड़ी कैसे कटती है, वो सारी चीज़ें, ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में अगर आप किसी भी तरीके की आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, इंटरेस्ट होता है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। गांव दिखाइए, देहात के एरिया को दिखाइए, और इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वहाँ पर, वो आपको तुरंत अप्लाई ना करने दें, पहले कहेंगे आप इंटर्न करो। इंटर्न में क्या होता है कि वो लोग पैसे नहीं देंगे आपको, वो लोग कहेंगे अच्छा चलो ये ले लो, कुछ पेट्रोल के ले लो, चलो ये ले लो, ठीक है, और काम आपसे तमाम तरह का लेंगे, तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जो है आप अपना भी शुरू कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैंने ये जो बताया था रिपोर्टिंग वाला, ये बेटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन बनती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको एक पहचान मिलती है, पहचान ऐसी कि आपको लोग जो है शहरी क्षेत्र के, जहाँ के आपके खुद के एरिया के लोग आपको जानना पसंद कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, तो ये एक आपके लिए प्लस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कुछ नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट ये तो आपके पास रहेगा रहेगा, है ना। तो ये मैंने सोचा कि आप तक पहुँचानी चाहिए ये बात, और मुझे लगता है कि आप तक ये बात पहुँच गई है, पहुँच गई तो अच्छी लगी है, साफ़ सुथरी लगी है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। उनके लिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ हम लोग पोस्ट करेंगे रेगुलर, और आपके लिए ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। और याद रखिएगा कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वेब सीरीज़ आने वाली हैं। एक वेब सीरीज़ तो चल भी रही है, क्राइम से सावधान लाइफ हैक के नाम से है। आपने अगर तो उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए उसको।